मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीष्म अरुलिया। मित्रों, 7 तारीख को जब होली का दहन होगी, उसके दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात में आप थोड़ी सी राख, होलिका की जो राख है, वो लेकर के आ जाए। यदि आपके बच्चे को नजर दोष लग जाती है, यानी उसको नजर लग जाती है, तो उस राख में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई मिला लें और उसको किसी डब्बे में अलग रख दें, और जब भी उसको नजर लगे तो थोड़ी सी उसमें एक चुटकी राख को लेकर के उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बाहर फेंक दें, तो उसके लिए जो नजर दोष है वो उसका दूर होगा। यदि आपका बच्चा हमेशा बीमार बना रहता है, हमेशा उसको किसी न किसी प्रकार की बीमारी लगी रहती है और उसको हमेशा नजर लग जाती है, तो आप एक काम करें, होली के दहन के दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात में थोड़ी सी राख लेकर के आ जाए और उस राख को एक तावे के तावीज में भर करके और सामने अपने पूजा स्थली पर बैठ करके 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करके उस बच्चे के गले में या बाजू में बांध दें गले, और वो जो हमेशा बीमार रहता है।